अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित बोपू का बाड़ा इलाके में बुधवार देर रात शराब के नशे में धुत दो युवकों ने जनरल स्टोर पर तोड़फोड़ की और मारपीट का प्रयास किया। मामले की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जब तक दोनों बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस ने पीड़ित दुकानदार राजेश कुमार की शिकायत पर बदमाश चिंटू व हिमांशु की तलाश की, जिसमें से आरोपी चिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित दुकानदार राजेश ने बताया कि चिंटू और हिमांशु आए दिन शराब पीकर तमाशा करते हैं और बीती रात भी उन्होंने दुकान पर आकर गुटखा मांगा और पैसे नहीं देने की बात कही। पैसे देने की बात पर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसकी सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई। पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। ये एक तो चिंटू चौहान और एक हिमांशु चौहान, इन दोनों ने आए गुटखा पानी लिया और बोले कि पैसे नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा कि पैसे तो देने पड़ेंगे, तो बोले कि नहीं तू क्या कर लेगा, तो गाड़ी बकरे थे वो सुबह से दिन भर शाम से पिए हुए थे जो, तो बोले कि नहीं है पैसे। तो मैंने कहा कि तू यहाँ से जाएगा नहीं, पैसे दे पहले तू यहाँ। फिर उन्होंने जो मेरे ही कैरी उठा के बोतलें फेंकना चालू कर दिया उन्होंने, और बोले कि है ना अब तेरे से जो हो जो कर लेना, जहाँ लिखा था रिपोर्ट रोज कर दे। हाँ रोज का काम है ये तो, रोज ये इधर आगे जाके है ना गांजा वगैरह ये सारे चरस पीते। एक बार है ना ये दोनों जाके भी आए जेल भी। और भी कोई है इनके साथ? नहीं ये दो ही है अभी तो। नाम है चिंटू और हिमांशु।